दरवाजा खोलिए हरमन जी। एक सरफिरे आशिक ने हमें अपने ही घर में बंद करके रखा। अब गुरु माँ को ना कुछ नहीं कहना, जब नेक मांगने देर से जाएंगे तो नेक भी कम मिलेगा। अब अपना काम भी इस हरमन से पूछ के करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, हरमन सिंह ने ऐसा कब कहा? अरे आप लोगों को जहां जाना है जाइए, बस कौम में आपके साथ नहीं जाइए। हरमन तुम हमें मत बताओ कि हमने क्या करना है या क्या नहीं करना। नहीं बिल्कुल नहीं, आप लोगों को जो करना है कीजिए, बस मेरी बीवी यहां से कहीं नहीं जाएगी। और जब तक मेरी बीवी यहां है, आपको वही करना होगा जो मैं चाहता हूं। सिंपल। मैं नेग लेने जाऊंगी। और मैं देखती हूं कि मुझे कौन रोकता है। ठीक है, तो मैं काम करता हूं, दरवाजे पर फिर से बाहर से ताला लगा देता हूं। कोई कहीं नहीं जाएगा। तराना, तुम अंदर जाओ। कैसा लगा मेरा आइडिया? वाहियात, एकदम वाहियात। अब मैं तुझे आइडिया दूं, जब अगर अपना दिमाग चलाना है ना तो कम से कम प्रीतो की तरह चला, वरना ना चला। छोड़ दो, वो तो आपके बड़े भाई और जीजी है, इसीलिए मैं अपना लिहाज रखती हूँ। वरना अगर मैं अपना दिमाग चलाने पे आऊं तो मैं ऐसी चाल चलूं कि प्रीतो को तो पीछे छोड़ दूं। ओए बहुत बड़ी गलतफहमी है तेरी शन्नू, बहुत बड़ी गलतफहमी। तू जानती है प्रीतो यहां बैठे बैठे चुपचाप अपने इशारे से कहीं और खेल खेल रही है। तुझे पता चला? नहीं, मैनू भी कल ही पता चला है। की मन पर? ओए तेनू नहीं पता, ये जो सोम्य से सुरभि को नहीं मिलने दिया जा रहा ना, जानती क्यों? क्योंकि उसे बेहोश करके रखा है। हाँ, और मनिंदर के पूरे परिवार को भी पागल बना के रखा हुआ है, किसी को कुछ पता नहीं। और इतना ही नहीं, हरमन को भी सच और झूठ के चक्कर में ना उलझा के रखा हुआ है। पर शन्नो, ये प्रीतो किन्नरों के साथ ही पूरे टच में है। कह रहे हो वीरन, ये सब जो हो रहा है वो प्रीतो करवा रही है? हाँ, बहुत शातिर औरत है, बहुत शातिर। आपकी भावनाएं मैं समझती हूँ, सौम्या को लेकर आप दुखी हैं। मुझे बस ये जानना था कि सौम्या कैसी है। अच्छी तो है ना? अच्छी है बोलकर मैं खुद को या फिर आपको झूठा दिलासा नहीं दूंगी। जिस हालात से वो गुजर रही है ये बात भी सच है कि उससे उसकी आने वाली जिंदगी अच्छी ही होगी। सौम्या का ये हाल है, सुरभि का भी मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, सिर्फ फोन पे भी बात नहीं हो पाई। मैं तो उससे मिलने गई और मिल भी नहीं पाई। देखिए सौम्या जिस दौर से गुजर रही है उसका असर
उससे जुड़े हुए हर शख्स पर होना लाजमी है। चलो चमेली, सराहना अकेली होगी घर पर। हेलो, नहीं नहीं अच्छी है जी, वो है ही इतनी प्यारी। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल। नमस्ते। किसका फोन था मलका दीदी? मेरी सहेली का, जहाँ पर तराना को छोड़ के आई थी वही पूछ रहे थे उसके बारे में। तराना है ही इतनी प्यारी, जहाँ भी जाती है सबके दिल में जगह बना लेती। हाँ वो तो है। बस एक ही ऐसा इंसान है जो उसका अपना नहीं हो पाया। वो अपना एक नहीं अपना पाया तो क्या? आप देखिएगा दीदी कि एक ना एक दिन सौम्या इस पूरी दुनिया को अपना लेगी। बहुत हो गया, आज तो ये तमाशा खत्म ही कर देना है। मैनू मोबाइल कहाँ गया आज? बीजी को बता के ना तमाशा ही खत्म कर देती हूँ। हाँ बीजी, मैं अच्छी हूँ। सुनिए ना बीजी, आपकी जो खास दोस्त है जो अखबार में काम करते हैं, हाँ उनके अखबार में छपाने के लिए एक मसालेदार खबर है मेरे पास बीजी। जो मेरा भतीजा है ना हरमन, हाँ वही, उसकी जो बीवी है दिमाग बेच दिया तूने? हैं? ये क्या बेवकूफी कर रही है? वही जो बहुत पहले कर लेना चाहिए था। ये रोज रोज की सियापे से तो अच्छा है कि एक ही बार भांडा फूट जाए तुम्हारे भाई भाभी का। तो तू चलनी तो नहीं होगी, दिमाग नहीं तेरा इस्तेमाल करती तू। हम उनका भांडा फोड़ने चले हैं जिनकी वजह से हमारी दाल रोटी चल रही है। ओए अभी ना मेरी औकात नहीं है खुद को पालने की, समझ में आ रही तेरे को? रहने दीजिए वीरन, तुसी ना कुछ समझते ही नहीं हो। बहती गंगा में हाथ धो लो वीरन। मैं अपने भाई साहब से कहकर चुपके से अखबार में छपवा देती हूँ कि हरक सिंह की बहू एक किन्नर है। तू पागल होगी तू? जरा सोचिए वीरन, यही मौका है कि हम बड़ा गुरूर है तुझे तेरे दो कौड़ी के भाई पर, हमारी पोल खोलेगा। जी जी जो कहना है मुझसे कहिए, मेरे बाप और भाई को बीच में मत लाइए। तो तू भी मेरे बेटे को बीच में मत लाओ। जो कहा सुनी करनी है मुझसे कर, और मेरे मुंह लगने की औकात नहीं है ना तो अपनी सड़क छाप पैतरे करना बंद कर। समझा दे अपनी वोटी को वीरन, अगर मैं अपने बेटे अपने खून को इस घर से निकाल सकती हूँ तो इसके साथ क्या क्या कर दूंगी, ये मैंने समझाने की जरूरत नहीं है, तू खुद समझता है। ले दे दे मसालेदार खबर अपने भाई को, फिर देख मैं तेरी जिंदगी में कैसा तड़का लगाती हूँ। दे दे। जी वीजी, हाँ वीजी वो मैं कह रही थी कि मेरा जो भतीजा है ना हरमन जी, तो जो प्रीतो जी है हमारी, उसने हमारे भतीजे के नाम पर दो फैक्ट्रियां की है। बस तो उसी की खबर अखबार में छपवानी थी। जी जी जब सब तय हो जाता है तो मैं आपको बता दूंगी। जी रखती हूँ। हंसती मुस्कुराती रहा कर, वैसे ही तेरी शक्ल अच्छी नहीं है, ऊपर से ऐसी चली बनी बैठी रहती, अपने पति पर तो तरस खाया कर। बेचारा, कुछ खाने को दे दे इसे। हाँ
ना नेक दो। अरे भाई अब इन्हें नेक की क्या जरूरत है, अब तो कुछ दिनों में ये हमारी बराबरी में आने वाले हैं। अरे और नहीं तो क्या, देखा नहीं कितने दिनों से नाटक चल रहा है इन लोग का। कोई तो सरफिरा आदमी आया है जो इन लोग के लिए पूजा कर रहा है और इन लोगों को हमारे समाज में शामिल करने की बात भी कर रहा है, तभी तो ये लोग इतना उछल रहे हैं। अरे साहब किसकी बात कर रहे हैं आप लोग, हम नहीं जानते, आप तो हमें हमारा नेक दो और चलता करो। जानते नहीं? अरे ऐसे कैसे नहीं जानते, और वो भी तो क्या, अरे रिश्ता बनाने के लिए हम लोग भी क्या बुरे हैं क्या? साहब अगर हम लोग आपसे बदतमीजी नहीं कर रहे हैं तो आप लोग भी हमसे तमीज से बात कीजिए। तमीज? तमीज क्या होती है ये तो मैं तुझे अभी बताता हूँ। क्या कर रहे हो, छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो। क्या बात, छोड़ो, इतना नखरे क्यों दिखा रही है, तू कोई औरत थोड़ी है, किन्नर है किन्नर। अगर हम किन्नर हैं तो क्या हमारी कोई इज्जत नहीं? अरे छोड़ो दुपट्टा। आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? मैंने कहा दुपट्टा छोड़ो मेरा। क्या चल रहा है यहाँ पे? देखिए ये पूजा तो एक दो दिनों में खत्म हो जानी है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि किन्नर हमारे ही समाज का हिस्सा, इनसे नफरत मत कीजिए, हम इनके बिना और ये हमारे बिना अधूरे हैं। मुझे तो लगता है कि इनमें से कोई एक नहीं तो मैं भी नहीं। अपने अंदर की इंसानियत को जिंदा रखिएगा। गुरुमा आपको हम सबकी बातें सुननी होंगी। एक तरह ना ही इस किन्नर समुदाय का हिस्सा नहीं है, सिर्फ इसके खातिर आप हमें नजरअंदाज नहीं कर सकते। करीना आवाज नीचे करो और बताओ क्या हुआ। पूछिए इससे। नंदा क्या हुआ? गुरुमा ये क्या कर रहे हो, छोड़ो, मैंने कहा दुपट्टा छोड़ो मेरा। गुरुमा हम सारे किन्नर आपसे एक मांग रखते हैं जो हमारा हक है। कौन सी मांग? बाहर ये टेंट का नाटक जो चल रहा है वो अभी इसी वक्त बंद होना चाहिए। आहा, 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 आहा,
हाँ, वो अभी बंद होना चाहिए गुरु माँ। ये लोग सही कह रहे हैं, आप सबकी गुरु माँ हैं, आपको सबके लिए उतना ही सोचना चाहिए जितना आप मेरे बारे में सोचती हैं। नीलम, ध्यान से सुन, तुम्हें क्या करना है? जी भाइयों, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी पूजा और ऐसी अर्चना ना कभी की और ना कभी सुनी। सही कह रहे हो भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो। हरमन ने आज मिसाल कायम कर दी है। अगर दुनिया के हर आदमी की सोच ऐसी हो जाए ना, दुनिया ही बदल जाएगी भाई। क्या भाई लोग क्या कहते हो? क्या बात, वाह भाई, क्या बात, बहुत बढ़िया, क्या बात, बहुत झूठा है ये इंसान। और सिर्फ झूठा ही नहीं, निहायती बदतमीज भी है। आखिर आप सबको इसके बारे में पता ही क्या है? मैं बताती हूँ आपको इसके लिए। क्या बकती हो तुम? जी नहीं, मैं बक नहीं रही हूँ, यही सच। ये इंसान ने ये पूजा, ये लंगर, ये कोई हमारी खुशी के लिए नहीं करा है। किसी पे दिखावा है, ढोंग है, ये सब ना हमें परेशान करने के लिए कर रहा है। इस इंसान ने ना मुझे मुझे छेड़ा था। और मुझसे क्या कहे कि मेरे साथ घर चलो। और मैंने इस इंसान को मना क्या कर दिया, आ गया यहाँ पे ये तमाशा करने के लिए। ए, कौन है तू और ये क्या बकवास कर रही है? अच्छा तो ये बात है, तभी मैं सोचूं इस लौंडे को क्या पड़ी समाज कल्याण करने की। झूठ मेरा फीरा नहीं, झूठे किन्नर बोल रही है। तो सच क्या है तुम ही बता दे, चुप क्यों हो? हरमन तू बता देना इन सबको, ये सब गलत है, बता। गुनहगार में सिर्फ एक की नजरों में सबको सफाई क्यों दूं? ये क्या बोलेगा और क्या सफाई देगा? अरे बेवकूफ, तो हम लोग निकले जो इसकी बातों में आके यहाँ पर आ गए। इसकी बकवास सुनने से अच्छा है भाइयों इस ट्रेन को तोड़ देते हैं। आओ तोड़ो ट्रेन को, उखाड़ो ट्रेन को, उखाड़ो भाइयों, मुंह क्या देख रहा हूँ, उखाड़ो। छोड़ो छोड़ो, अरे आप लोग तो रहने दीजिए, हम ये सब अपने आप कर लेंगे।